वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समरी ऑफ इंटीग्रेशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास है? कि इट इज द प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए y, ठीक है, जैसे y हमारे पास फंक्शन है fx, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, f डैश x, इस तरीके से, ठीक है। मतलब हमारे पास फंक्शन गिवन होता था और हम डिफरेंशिएट करके आंसर निकालते थे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन गिवन होगा, ठीक है, और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मतलब हमें यहाँ पर फंक्शन निकालना है, ठीक है। जैसे वाई एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जैसे बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे एक्स की पावर एन प्लस वन और इस तरीके से, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर रूल से पावर आगे, जैसे वन बाई एन प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है। और एक्स की पावर एन प्लस वन का क्या होगा, पावर आगे, ठीक है, बेस एज इट इज और पावर में से एक कम, ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक्स का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन, ठीक है, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, पावर में वन से वन कैंसिल, तो एक्स की पावर एन, इस तरीके से, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन था, अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। जैसे यहां पर डी बाई डी एक्स होता था, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से। तो हमारे पास एक्स की पावर एन गिवन होगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन फंक्शन होता था, क्या था, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, इस तरीके से, मतलब पावर में एक जोड़ दो और डिवाइड बाई टोटल पावर, ठीक है, मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए y हमारे पास है एफ एक्स प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जैसे एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, एक्स स्क्वेयर हो, प्लस थ्री एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स और प्लस सी, सी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, प्लस जीरो, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स का, इस तरीके से, तो क्या होगा एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का तो एफ एक्स होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन प्लस सी, इंटीग्रेशन जब भी हम निकालते हैं आंसर में हमेशा प्लस सी ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट, हमें यहां पर जैसे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे वहां पर फंक्शन तो आ जाएगा हमारे पास, लेकिन वो कांस्टेंट तो नहीं आया, जो यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन जीरो था, इसलिए प्लस सी हमेशा ऐड करेंगे, और सी क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस सी। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जैसे जो डिफरेंशिएशन के थे उसके रिवर्स, ठीक है, हमें पता है उनका, ठीक है। अब फिर हमारे पास बेसिक रूल्स, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन, रूल नंबर वन क्या था हमारे पास, रूल नंबर वन कि एक्सप्रेशन बनाएंगे, मतलब मेक द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब जैसे फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का स्क्वेयर हो, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर हो, इस तरीके से, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई होती हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली जैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें,
कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इस तरीके से ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें। तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाएंगे, मतलब सिंपलीफाई करेंगे इसको। जैसे यहां पर क्या है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या था हमारे पास से? कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका डिवाइड में हमारे पास क्या हो, लीनियर, ठीक है, लीनियर हो या फिर हमारे पास हो लीनियर की पावर, पावर ठीक है, एंड कुछ भी हो सकती है पावर। लीनियर का मतलब जिसमें एक्स की एक पावर हो या फिर एक्स का ऑर्डर वन हो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर लीनियर की पावर एक हो तो क्या था, डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन एज इट इज ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से ठीक है। और डिवाइड में क्या था, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहां पर, एक्स का कोफिशियंट ए और प्लस सी, इस तरीके से ठीक है। और इसका क्या होता था इंटीग्रेशन, कि डिवाइड में पावर एक से अलग कुछ भी हो, लीनियर की पावर एक से अलग कुछ भी हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर पावर रूल से, ठीक है। रूल नंबर थ्री, ठीक है, रूल नंबर थ्री क्या था हमारे पास, कि जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो रूल नंबर थ्री क्या था कि पावर ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो या फिर इक्वल हो किससे, पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब ऊपर वाले की पावर इक्वल हो या फिर बड़ी हो, ठीक है, डिनोमिनेटर से नीचे वाले से। तो इसके लिए रूल क्या था हमारे पास, कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट डिवाइड देन इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसकी जगह क्या होगा हमारे पास, कि इंटीग्रेशन किसका, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और डिवाइड में क्या, डिवाइडर, इस तरीके से ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम। नेक्स्ट रूल था हमारे पास, क्या था हमारे पास नेक्स्ट रूल, जैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमारे पास है एक्स प्लस वन और 2x-1 का स्क्वेयर रूट। रूल था हमारे पास कि जो भी पावर के अंदर हो, ठीक है, जो भी पावर के अंदर हो वैसा ही बार बनाएंगे, ठीक है, वैसा ही बार बनाएंगे, मतलब कि जो डिवाइड में हो मैक्सिमम, तो डिवाइड में जैसे यहां पर क्या है 2x-1, ऊपर क्या हमारे पास x, तो हमें 2x चाहिए प्लस का, तो 2 से डिवाइड, 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बार, और 2 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से ठीक है। तो क्या था रूल, कि जो भी पावर के अंदर हो वैसा ही ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन 1/2 तो हमारे पास, और क्या साथ में 2x+1, ठीक है, और डिवाइड में 2x-1 का स्क्वेयर रूट, यहाँ पर 2 है, इस तरीके से। अब 2x तो है हमारे पास, लेकिन साथ में क्या, -1, तो यहां पर -1+1, तो इसको अलग से, और जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x-1 और साथ में +3 और डिवाइड में 2x-1 का स्क्वेयर रूट, इस तरीके से ठीक है। और फिर अलग अलग के नीचे, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट रूल था हमारे पास, कि जैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1-sin x / cos² x, इस तरीके से ठीक है। रूल क्या था हमारे पास, कि डिनोमिनेटर में जब भी एक टर्म हो, ठीक है, क्या था रूल, कि वन टर्म इन डिनोमिनेटर, मतलब नीचे एक टर्म हो, मतलब कि मल्टीप्लाई तो हो यहां पर कुछ भी, लेकिन प्लस माइनस ना हो, ठीक है, वन टर्म इन डिनोमिनेटर। देन क्या था रूल, कि अलग अलग के नीचे लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहां पर क्या होगा, 1 के डिवाइड में कोस स्क्वेयर अलग से, और फिर -sin x के डिवाइड में कोस स्क्वेयर अलग से, और इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर था हमारे पास सिक्स्थ रूल, ठीक है, क्या था हमारे पास रूल, कि जैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/(x+2) -x+1 का स्क्वेयर रूट, इस तरीके से ठीक है। तो क्या था रूल, कि डिनोमिनेटर में जब भी दो टर्म हो,
दो टर्म का मतलब यहां पर प्लस माइनस हो, दो टर्म के बीच में स्क्वेयर रूट हो, ठीक है। तो सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज और फिर इंटीग्रेट इस तरीके से। जैसे यहां पर रैशनलाइज क्या होगा, जैसे यहां पर एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वेयर रूट तो एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, रैशनलाइज कैसे होता है, एक्स प्लस टू का स्क्वेयर रूट एज इट इज और किसी एक टर्म का साइन चेंज, जैसे वह यहां पर माइनस है तो प्लस, और सेम चीज यहां पर डिवाइड में इस तरीके से, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।